देखिए क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 78% ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु अपीयर वर्ड सक्सेसफुल। एक एग्जामिनेशन में 78% स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका मतलब 22% ऑब्वियसली फेल हो रहे होंगे। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट इज 176 एंड 34% गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो आपको बताना देन हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट फर्स्ट क्लास। बड़ा सिंपल लॉजिक है, 78% सक्सेसफुल है, 22% फेल है, और फेल वाले टोटल है 176 और 22% इसमें से फेल है। तो आप क्या करोगे, 22% के हिसाब से देखेंगे तो 176 अपॉन 22 बाय 100 यानी 100 यहां कर सकते हैं, तो ये कैंसिल किया तो 8 टाइम यानी 800 स्टूडेंट टोटल होंगे। अब आपको 800 स्टूडेंट का 34% निकालना है जो कि क्लास में पास हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 और 24 प्लस 3 तो 272, यानी 272 स्टूडेंट ने फर्स्ट डिवीजन ली होगी। राइट, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि किस क्लास में 78% स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल है और 22% स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली बिना दिया नहीं पर फेल होंगे, और ये पता है कि फेल नंबर है 176, तो 176 डिवाइडेड बाय 22% करा तो आपको टोटल लोग मिल गए 800, यानी 800 स्टूडेंट उस क्लास में है। परसेंट को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड 100 होता है तो ऊपर चला गया। अब उस 800 का 34% बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन लाए।